योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह सीतापुर पहुंची और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं स्वाति सिंह जिला अस्पताल पहुंची और उन्होंने आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। इसके बाद मंत्री स्वाति सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में ओलावृष्टि हुई, मौतों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर खातों में पहुंचे धनराशि के प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री स्वाति सिंह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि सरकार के इन 3 सालों में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम कार्य किए गए हैं, जिससे कि महिलाएं आज सुरक्षित हैं। पास्को के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 218 फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की, ताकि जो महिलाएं बेटियों से संबंधित मामलों हों उनका निस्तारण जल्दी हो सके। महिला सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं और बेटियों की सुदृढ़ी करके बहुत सारे कार्य किए हैं। देखिए, मैंने जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का उल्लेख किया कि हम लोगों ने 181 जो 6 सीटर था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 30 सीटर कर दिया। पॉक्सो के अंतर्गत मैंने मुख्यमंत्री जी ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना उन्होंने की, ताकि जो भी मामले जो महिलाओं से और बेटियों से बच्चियों से जुड़े हुए हों उनका जल्दी से निस्तारण होना बहुत ही आवश्यक है। और महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला और बेटियों के सुदृढ़ीकरण के भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। जैसे मैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की बात करूँगी, अब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूँगी, हम लोगों ने 1 स्टॉप सेंटर जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में वो सेंटर्स चल रहे हैं। और किसी भी महिला को अगर रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी तरह की पुलिस या फिर चिकित्सीय या फिर किसी वकील की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारी हम चीज़ों का जो अरेंजमेंट है वो उसी एक छत के नीचे हम करते हैं।